एवरीवन, मेरा नाम नीरज कुमार, पर्यावरणविद, डायरेक्टर ग्लोबल इको फाउंडेशन। आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल 2020 जो यूनाइटेड नेशन के अनुसार क्लाइमेट एक्शन जो थीम है, जो विश्वव्यापी क्लाइमेट एक्शन थीम के तौर पर ग्लोबली विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमें आज जो क्लाइमेट एक्शन से जो प्रभाव दिखा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन जो दिखा जा रहा है, उस सारे चुनौतियों को कैसे हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। 130 करोड़ भारतीय नागरिकों से एक अपील है कि हमें पर्यावरण को अनुकूल इस धरती को बचाने के लिए मुख्य चुनौतियों पर बात करनी है। आज समस्या है, पानी की समस्या हो, वायु प्रदूषण की समस्या हो, नॉइज पॉल्यूशन की समस्या हो, तो ऐसे तमाम जो बिंदु हैं। आज हमारे एग्रीकल्चर की समस्या है, जो अनुकूल हमारे भोजन में, आहार में प्राकृतिक नेचर को बचाने के लिए हमारे तमाम चीज़ों को जो एक इंटरलिंकिंग एक रिलेशन है, अर्थ के माध्यम, लैंड के माध्यम, एग्रीकल्चर के माध्यम, जीव जंतु के माध्यम, समुद्री जीव जंतु हो या मरुस्थल जीव जंतु हो या बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, एग्रीकल्चर हो या ह्यूमन हो, सबकी एक डिपेंड है, एक रिलेशन है, जो अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सुरक्षित अर्थ तभी होगा जब हम अपने मदर अर्थ को ग्रीनरी देख सकते हैं, हरा भरा जो एक नेचुरल रिसोर्स है उसको फुलफिल देख सकते हैं, तभी हमारे ये जो चैलेंज है क्लाइमेट एक्शन को, जो चैलेंज है, क्या चैलेंज के तौर पर जलवायु परिवर्तन से मुख्य परिवर्तन हो रहे हैं, उसको कैसे बचाना है। तो इसी के संदर्भ में आज का एक छोटा सा एक क्लिपिंग जो है कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुख्य चुनौती जो आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर है, उसको कैसे हमें बचाना है और आने वाले समय में ये जो मुख्य धारा है कि पर्यावरण अनुकूल हमारा विकास हो, एक गांव से लेकर, एक शहर से लेकर, एक विश्वव्यापी तक हमें जितने भी सिस्टम है क्लाइमेट चेंज से जो प्रभावित होने वाले हैं, तो जो जितने भी नए टेक्निक विकसित हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में हो या कोई हमारे प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, तो सब में हमें सस्टेन एग्रीकल्चर का विकसित करने की ज़रूरत है, टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में विकसित करने की ज़रूरत है और तमाम तरह के जो हमारे जीव जंतु हैं उसको बचाने के लिए सुरक्षित करना है। तो इसी संदर्भ में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पूरे दुनिया आज क्लाइमेट एक्शन के तौर पे मना रही है, तो हम सब भी आइए मिलकर पर्यावरण के संदर्भ में सुरक्षित करने के लिए ग्रीनरी पर फोकस करें, सस्टेन विकास पर फोकस करें, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर फोकस करें और आने वाले चुनौतियों जो है पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे को लगाएं, पानी को बचाएं, वायु प्रदूषण से होने वाले जो समस्या शहर में है उसको अपने स्वीकार करें कि कम से कम हमें कहीं भी लोकल जाना हो तो हमें गाड़ी ट्रांसपोर्ट की योजना करें, पैदल चलें और अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को भी अच्छा रखें। एक नेचुरल रिसोर्स का मेंटेन जो करना है उसको मेंटेन करें और प्राकृतिक अनुकूल वातावरण में हमें बनाकर एक जिंदगी जीने का, जो जीव जंतु को बचाएं, इसी संदर्भ में बचेगा तो हमारा मेडिसिन बनेगा, अच्छे प्रोडक्शन होगा तो हमें एक अच्छी आहार मिलेगा, अच्छी भोजन मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, तो मेरी ज़िंदगी भी एक अच्छी तरह से होगा। इसी पृथ्वी दिवस के अवसर पर आइए हमें मदर अर्थ को सुरक्षित करें, यूनाइटेड नेशन के फॉर्म पे हमें अब ग्लोबली दिखाना है कि हम पर्यावरण के अनुकूल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में आज जो COVID-19 एक मानव जनहित में बनाया गया वायरस जो है, इस पे अभी पूरे दुनिया चिंतित है, उसकी डर से सब लोग घर में बंद हैं, पूरी दुनिया का हर शहर बंद है, कितनी बड़ी समस्या है ये प्रकृति का आज बता रही है कि हम घरों में हैं या प्रकृति कितने सुरक्षित अपने रिफॉर्म हॉल कर रही है, सुधार कर रही है। तो इसी तरह से हमें नेचर के तौर पे एक संकल्प लेना है कि हम पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, प्रदूषित रिवर को नहीं करेंगे, नदियों को नहीं करेंगे, वायु प्रदूषण में, प्रदूषित बढ़ाने में हम अपनी योगदान नहीं देंगे और इसी के संदर्भ में आइए मिलकर पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत है और पर्यावरण बचेगा तो
तो हमारी जिंदगी बचेगी, हमारी मदर अर्थ अनुकूल जो जिंदगी होगा वो आने वाले समय की युवा जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्स बचेगा, तभी हम एक जिंदगी को बेहतर अर्थ को सुरक्षित कर सकते हैं और इस अर्थ को सुरक्षित प्रदान करने में हमारी अहम भूमिका होगी। इसी विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर संकल्प लीजिए तमाम 130 करोड़ के भारतीय नागरिक इस पे विचार करने के, आज क्लाइमेट एक्शन के दिन के तौर पे मनाने की ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ को विकसित करने के लिए अब अगला प्लान को हमें कैसे डेवलप करना है इस पर संपूर्ण रूप से सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।